उधर नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले वशनपुरा गांव में हुई महिला के हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ये एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है 9 जनवरी को बिशनपुरा में। एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पहले चोट पहुंचाकर उसके बाद गला दबा के हत्या कर दी गई थी, और ये घटना लगभग 1 सप्ताह पूर्व की थी। जो पीएम से मालूम चला था, उसके बाद ये बाहर से ताला बंद करके भाग गया था, और 1 सप्ताह बाद जब वहाँ कुछ बदबू आने लगी और कुछ खून देखा गया तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके एक रिश्तेदार ने ही अभियोग पंजीकृत कराया था कि इसके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किया गया है। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इसके रहने वाला आजमगढ़ का है, जहानाबाद का, वहां भी भेजी गई थी टीम, लेकिन मामला वहां नहीं पहुंचा हुआ है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कंचन भरद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कंचन, पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं दीपिका, कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में बिशनपुरा गांव पड़ता है, जहां पर ये पति पत्नी दोनों एक मकान में रहते थे, और उसने इनके घरेलू विवाद चलते इन दोनों की कुछ रद्द हो गया था, जिसके चलते इसने उसकी गला घोट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और मैं आपको बता दूं, ये काफी दिनों से फरार चल रहा था, कभी नोएडा थी कभी बाहर थी, तो पुलिस ने गुप्त सूचना मिली थी कि ये नोएडा सेक्टर 57 की तरफ जा रहा है स्कूटी से, तो पुलिस की कॉम्बिंग इस दौरान छोटा दीपक के पास मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ द्वारा इसके पैर में गोली लगी, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। दीपिका जी, कंचन, आगे अब पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है और परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हाँ देखिए, साफ तौर पर अगर पुलिस बात करें तो पुलिस ने इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक और कारतूस और बिना नंबर प्लेट की स्कूटी बरामद की है, और साथ ही एडीसी आशुतोष द्विवेदी का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसे कृत्य जो करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने नोएडा वासियों से एक और अपील की है कि अगर किसी के घर में अगर ऐसी कोई घटना हो तो उसे 1090 पर कॉल करें, जिससे कि यह घटना ना हो सके। जी शुक्रिया कंचन, तमाम जानकारी के लिए।